लुधियाना के सरकट हाउस में पंजाब के कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बुढ़े नाले के प्रति विचार विमर्श किया गया। कॉरपोरेशन व पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के पास बैठकर जल्द से जल्द नई पॉलिसी बनाकर हल करने की बात कही। इसी दौरान पिछली सरकार में मुहैया हुए फंडों के बारे में उन्होंने कहा कि अभी 1.5 महीना हुआ है, मुझे चार्ज संभाले, इस बारे में उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंडस्ट्री वाला या कोई भी उसमें गंदगी फेंकता तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लुधियाना से जसवीर जस बाद पूछ लो, मैं आपको ब्रीफ। सो अज मैं लुधियाने शहर च आया। सो जी इतने बड़ी वीडी तो बड़ी पुरानी मुश्किल लोगों आ रही है पोल्यूशन की। इतने बुढ़ा नाला जिद बड़ा पोल्यूटेड पानी जा रहा है, चाहे वह कारपोरेशन का है चाहे वह इंडस्ट्री का। सो असी मैं अज इतने आया सारे अफसर समान नाल लैके अपन कि असी बुढ़े नाले तो भी जाना, वह भी सारा चैक करना, तो वह जी समस्या वो हल ले भी असी कोई प्रयास करने ने, क्योंकि सरकार की साडे सीएम साहब की यो मंशा कि बुढ़ा नाला जोड़ा जिद बहुत पोल्यूशन बनता। सो यदी रोक ले कुछ ना कुछ जरूर करिए। सो उन्हों का भी हुक्म सी। सो मैं अज आया, मेरे नाल अच भी बैठे सारे इतों के एम एल ए मेयर साहब सारे इतने बैठे ने। सो असी अज उ जा रहे हैं वह कोई हल क्ढन ले। मेनू पहला तो पता नहीं कि अज तो 20 साल पहलो की होया। सो मेनू 1.5 महीना होया मैं ये चार्ज संभालिया, ये जरा एनवायरमेंट का डिपार्टमेंट जरा कैप्टन साहब ने मेनू दिता। सो मेरी यह कोशिश है क्योंकि उन्हों की सोच है कि पंजाब को पोल्यूशन मुक्त करना, वो ता ही हो सकता जे असी अपने शहर की जी वी समस्या जिस तरह इतने बुढ़े नाले की समस्या। सो इतने इंडस्ट्री बहुत है लुधियाने, वो इस गल की समस्या कि वह पोल्यूटेड पानी जोड़ा कई तो अपने ट्रीटमेंट प्लांट चला रहे हैं। कई हमने मैनू शिकायत मिली है, हमने कह रहे थे मीटिंग च कि कई टायर बालते हैं, लकड़ बालते इंडस्ट्री होती, वो भी एक्शन लेना। असं नहीं चाहते साड़ी कोई पंजाब की इंडस्ट्री बंद हो, पर इंडस्ट्री वाले का फर्ज बनता अपने नॉर्म पूरे करके अपनी इंडस्ट्री चला। सो अज मैं अफसर कहता कि जोड़ा वायलेशन करता वो सख्त एक्शन लिया जाए। मैं ट्रीटमेंट प्लान वाटर ट्रीटमेंट प्लान वास्ते कहता, वो साडे एम एल ए मैं तो 1 महीने का कहा सी, पर एम एल ए समान कह लगे भी सानू टाइम थोड़ा दे दियो। सो मैं चेयरमैन साहब नूं कहता कि 2 महीने जिहड़े ने इन्हां नूं दे दियो, 2 महीनों के विच जिहड़ी इंडस्ट्री अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लान नहीं लाएगी ना चलाएगी उहदे ते सख्त एक्शन लिया जाए। सोनी जी, एक आरटीआई चीफ कॉर्पोरेशन ने जवाब दिता कि बुढ़े नाले ते अज तक 1 रुपया भी कांग्रेस सेंटर तों ते स्टेट गवर्नमेंट तों नहीं आया, उहदे लई भी फंड्स भी तुसीं अश्योर करोगे कि आणगे? देखो मैं इसे करके इत्थे आया, सी एम साहब ने एक पंजाब की हाई पावर कमेटी बना दी, वो सारे महकमे जी 10-12 डिपार्टमेंट ने जेडे कंसर्न डिपार्टमेंट ने वो सारे की एक कमेटी बनाती, वो सेवा बतौर चेयरमैन मेरे को। मैं उस करके भी आया क्योंकि असं मगरों से चंडीगढ़ मीटिंग करनी है सारे डिपार्टमेंट, वो मिनिस्टर साहबान भी ने, सैकटरी साहबान भी, सारे की मीटिंग उत्थे जाके असी फिर करनी है। पहलों मैं चैक करना आ पाया सी कि उत्थे जाके असी इस नाले वास्ते की प्लैनिंग करनी है। सो वो कमेटी सी एम साहब बड़े चिंतित ने पोल्यूशन लैके। सो जिन्ना चिर साढ़े पंजाबियों की हैल्थ ठीक नहीं, साडा वातावरण ठीक नहीं, उन्ना चिर भी साढ़े बच्चे जोड़े ने चंकी एजुकेशन भी नहीं लै सकते। सो इस करके 2 डिपार्टमेंट जोड़े ने वो बहुत जरूरी है, अहम डिपार्टमेंट ने जोड़े, एक एजुकेशन का, एक इनवायरमेंट का, तीजा हेल्थ का। 2 तो मेरे को ही ने, इनवायरमेंट का मेरे को है, एजुकेशन का मेरे को है, तीसरा हेल्थ का। सो सी एम साहब साढ़े उन्हों की यो सोच है कि 3 डिपार्टमेंट जोड़े ने इन्हों सब तो पेलो काम करने की जरूरत है। सो ये वास्ते फंड भी जोड़े ने भी वह भी अरेजमेंट जरा वो सरकार कर रही है, वो अरेज वास्ते भी असी सी एम साहब दूजे डिपार्टमेंट चो कट लाउन। इन्हों जे डिपार्टमेंट ने खास करके पोल्यूशन हेल्थ ते एजुकेशन इन्हों